जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है जो कि हरियाणा में बुजुर्गों की होगी बल्ले बल्ले पेंशन में बढ़ोतरी। जानिए कितने पैसे बढ़े हैं। हरियाणा के बुजुर्ग की वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। बजट सन में ही समान पेंशन को 2500 से बढ़ा के 2750 से 2800 रुपए तक किया जा सकता है। अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी तोहफा मिल सकता है। 4 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को बजट सत्र की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। वही बात करते हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा जजपा गठबंधन सरकार का तीसरा बजट पेश किया हुआ था। सांसद की तर्ज पर पहली बार बजट के बाद 5 दिन की रिसर्च की गई थी। साथ ही विधानसभा की 8 एडहॉक कमेटियां भी गठन बजट में उन्हें सौंपा गया था कि वे उसे और स्टडी करके अपने सुझाव दे सकते हैं। कुल 75 विधायकों ने विभाग वर तय किए गए बजट और योजनाओं को लेकर अपनी सिफारिश सरकार को दे दी है। इन्हीं कमेटियों ने बुढ़ापा, विधवा, बेसहारा महिला व दिव्यांगजनों की पेंशन में 300 रुपए मासिक की बढ़ोतरी की व सिफारिश की हुई है। हुड्डा राज के दौरान पेंशन 10,000 रुपए मासिक थी, 1,000 रुपए मासिक थी। 2014 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपए